लिटरली शाइनिंग और ये है बैंगन का भरता। To hit that like button and subscribe to my YouTube channel so that you will never miss an update. Also follow me on Instagram. My Instagram handle is @theredcookcrispy123. There I share the live updates of what I do and what I eat. Hi guys, welcome back to my channel. Today I'm again at the Leela Ambience Convention Hotel and I'll be having the lunch at Cafe Nosh. मैं यहाँ पे बहुत बारी आ चुकी हूँ और ना हर बार हम यहाँ पे बिरयानी और दाल मखनी मंगवा लेते हैं, तो हमने सोचा क्यों ना आज कुछ डिफरेंट ट्राई किया जाए, बिकॉज हम बोर भी हुए थे उसके फ्लेवर से। तो हमने ना आज अलग चीज़ मंगाई है बिल्कुल, अब वो है बैंगन का भरता और स्टफ्ड कुलचा। आई डोंट नो कॉम्बिनेशन आपको अजीब लगेगा या नहीं, मगर मुझे तो बहुत अच्छा लग रहा है सुन के। इनके पास ना वेजिटेरियन मेन कोर्स में ऑप्शंस बहुत लिमिटेड होते हैं, तो यहाँ पे मिक्स वेजिटेबल का ऑप्शन था, तो हमने पूछ लिया कि इसके अलावा क्या क्या और चीज़ें ये दे सकते हैं हमें। तो इन्होंने बोला कि बैंगन बन सकता है, पालक हो सकता है, तो हमने बैंगन ऑर्डर किया है। कमेंट डाउन बिलो इफ यू लाइक बैंगन और नॉट। पे पापड़ चटनी भी आ गए हैं, कितने सारे पापड़ आए हैं, दो लोगों के लिए तो कुछ ज्यादा ही है। ये वाले मेरे फेवरेट नहीं है सैडली, अपलम पापड़ आए हैं, राइस वाले बहुत अच्छे होते हैं, मैं भी नीचे हूँ। एंड हियर इज द प्लेट पापड़ चटनी के लिए। चटनी से प्लेट गंदी हो जाती है, मगर चलो अब सर्व तो करना ही है। तो यहाँ पे मैंने अपने लिए पापड़ रख लिया है और चटनी के लिए स्पून, ओके है स्पून है चटनी के, थोड़ी चटनी भी लूँगी। चटनी ले लिया है, पापड़ ले लिया है और अभी से ट्राई करूँगी। हमने ना स्टाफ को बोल दिया है वो हमारे लिए राइस पापड़ ले आएंगे। चलो तब तक ये वाला ट्राई कर लेते हैं, ये भी अच्छा होता है ऐसे, मगर मेरा फेवरेट नहीं है। दिस इज़ द साउथ इंडियन पापड़, इसे अपलम पापड़ भी कहते हैं। इसमें उड़द दाल होती है, राइस होते हैं मिक्स होके, और राइस वाले में जस्ट राइस होता है। फर्स्ट बाइट, अच्छा लग रहा है, इट इज़ क्वाइट क्रिस्पी और चटनी स्पाइसी, काफ़ी ज़्यादा रिफ्रेशिंग है। आई टोटली लव द मिंट फ्लेवर, यम्मी। मैंने ना यहाँ पे रेगुलर टेम्परेचर वाटर मंगवा लिया था, क्योंकि पहले ठंडा आ गया था, वो मैंने ध्यान नहीं दिया था और मेरा गला ख़राब है, तो अभी पानी भी लेकर आ रहे हैं वो। मेरे साथ साथ मेरी सिस्टर का भी बदल दिया उन्होंने। और यहाँ पे हमारे फेवरेट वाले राइस पापड़ भी आ गए हैं, फ्रेश बनवा कर लाए हैं ये, इसलिए थोड़ा सा टाइम भी लग गया, मगर आ गए, दो मिनट में तो आ ही गए। गरम नहीं, दीज आर क्वाइट हॉट, अभी बनकर आए हैं। हियर इज द राइस पापड़। तो यहाँ पे हमारा खाना भी आ गया है एंड दिस इज द गोभी कुलचा। Yes, काफ़ी अच्छा सा दिख रहा है गोभी कुलचा, काफ़ी ज़्यादा बटर लगा रखा है, इट इज़ लिटरली शाइनिंग। और यह बैंगन का भरता। हमने थोड़ी अलग टाइप की डिश ऑर्डर करी, इसलिए ना आने में थोड़ा सा एक्स्ट्रा टाइम लगा, मगर अच्छा दिखता है। आई टोटली लव द प्रेजेंटेशन, ऊपर से इन्होंने बेल पेपर्स डाले हुए हैं एंड अ लॉट ऑफ जिंजर, आई लव जिंजर। और यहाँ पे कुलचा है, यह सैलेड भी है, काफ़ी अच्छा खासा साइज है कुलचा का। एंड इज अ सैलेड, अनियंस है और लेमन है। आप ग्रीन चिली प्रेफर करते होंगे खाने के साथ, कमेंट करके बताना। मैं ना और कुलचा मंगाना है, एक आलू का मंगाना, एक आलू कुलचा मंगाना है, हरी मिर्च डला देना। और यहाँ पे मैं ले रही हूँ गोभी का कुलचा, हमने एक आलू का भी ऑर्डर कर लिया है। हमने सोचा था कि ना पहले एक एक करके मंगाते हैं, जिससे कि एकदम गरम गरम खा पाए। गरम गरम कुलचा बहुत यम्मी लगता है एंड माय प्लेट लुक्स सो प्रिटी राइट नाउ।
मैंने ना यहाँ के स्टफ कुलचा पहले खा रखे हैं, बहुत टेस्टी होते हैं, अंदर से सॉफ्ट बाहर से क्रिस्पी एंड इट इज लिटरली लोडेड विद स्टफिंग, एकदम स्पाइसी फीलिंग है और हरी मिर्च डालने को हमने कह दिया था। आई टोटली लव ग्रीन चिलीज इन कुलचा, हाँ अलग से नहीं खा पाती हूँ मैं। सो नाउ आई एम गोना गिव इट अ ट्राई और यहाँ पे बैंगन का भरता लगाऊंगी मैं गोभी कुलचा में। आई नो आई एम अ बिट वियर्ड टू ऑर्डर बैंगन का भरता इन होटल, बट अच्छी डिश होती है गाइस, ट्राई करना चाहिए। फूड इज टू गुड, मिर्ची लग गई मुझे तो हरी मिर्च खा के। वन नो पहले बाइट में ही मैंने दो दो हरी मिर्च खा ली, मैं तो छोटा बाइट बनाया था मगर ना अच्छा बहुत लग रहा है। कुलचा तो एकदम भीगा हुआ है बटर से, इट इज़ गोइंग टू बी हैवी मगर हाँ यमी भी तो फिर ऐसे ही लगेगा ना, ना गर्म है, टूट भी नहीं रहा है मुझसे और फिलिंग में कंजूसी नहीं करते हैं बिल्कुल। भरता इज़ रियली फ्लेवरफुल, इन्होंने ना बैंगन को भूना है पहले तो उससे स्मोकी फ्लेवर आ रहा है इसमें, बहुत अच्छा अरोमा आ रहा है स्मोकी वाला और मसाले में देर तक पकाया गया है तो आप देख सकते हैं कितना प्यारा कलर आया है। प्याज है इसमें, टमाटर है, बहुत सारा हरा धनिया है और बैंगन ना एकदम स्पाइसी है। इससे बेटर कुछ नहीं हो सकता। मैंने यहाँ पे दाल मखनी खा खा के बोर हो गई थी, वो अच्छी होती है मगर ना बैंगन का भरता डेफिनेटली बेटर है उससे। हमने अब दूसरा कुलचा आलू का मंगाया है, हमने सोचा डिफरेंट ट्राई हो जाएगा, दोनों गोभी की क्यों मंगाए, वैसे यहाँ पे पनीर कुलचा भी होता है वो भी ऑर्डर कर सकते हो। अनदर बाइट, फूड इज रियली यमी। सो गाइस आई एम गोना फिनिश दिस और जैसे आलू का कुलचा आता है ना वो भी खा के दिखाती हूँ आपको। यहाँ पे आलू कुलचा भी आ गया है एंड आई एम सो फुल राइट नाउ, चलो इसे भी ट्राई करते हैं। इट इज सो थिक और बहुत ज़्यादा गर्म था, माय गॉड इट इज सो थिक, और ना ये ज़्यादा गर्म लगेगा क्योंकि मैं कैसे होता है कि मैश्ड पोटैटो ना ज़्यादा ही गर्म हो जाता है, वो भी बल्कि इतनी नहीं होती है तो बहुत आई हैव टू बी केयरफुल वरना तो थर्ड डिग्री बर्न हो जाएंगे। मैं छोटा सा बाइट ही तोड़ पाई हूँ और थोड़ी सी सब्जी लाऊंगी, प्लीज़ डोंट माइंड मेरी प्लेट बहुत मैसी हो गई है। Here's the first bite. आलू कुलचा इज रियली गुड, बेस्ट पार्ट ना मेरे को उसके पोटेटो का टेक्सचर ही लगा, इट इज लिटरली लाइक अ हॉट जैम, अच्छा लग रहा है। इसके अंदर इन्होंने ज़्यादा मसाले नहीं डाले, गोभी वाले में थे, इसमें जस्ट बेसिक हरा धनिया है, हरी मिर्ची है, अच्छा लग रहा है। बटर तो इसमें भी खूब सारा लगाया इन्होंने। A lot of you guys watch my videos but do not subscribe. Please guys subscribe to my YouTube channel. That will not only support me but also motivate me getting more such videos.